तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स मीट 2018 का आयोजन किया गया और मीट का आयोजन टेक्निया ग्रुप ने कराया है। इस आयोजन में कई नामी खिलाड़ी भी पहुंचे जिनको सम्मानित किया गया, तो वहीं दिव्यांग छात्र भी स्पोर्ट्स मीट में शामिल हुए। दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में टेक्निया ग्रुप की ओर से स्पोर्ट्स मीट 2018 का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स मीट में हजारों की संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इस मीट में दिव्यांग छात्र भी शामिल हुए। स्पोर्ट्स मीट में कई जाने माने लोग भी पहुंचे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने शामिल होकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। स्पोर्ट्स मीट के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बैंड बजाकर जहां छात्रों ने समा बांधा, वहीं भांगड़ा के जरिए सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। स्पोर्ट्स मीट में खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। स्पोर्ट्स मीट को लेकर टेक्निया ग्रुप ने बताया कि वो हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं, इससे बच्चों में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा होती है। आज टेक्निया इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया बेस्ट फेडरेशन और कई संस्थाएं, रोटरी क्लब, ये सब मिलाकर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें विकलांग बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, टेक्निया इंस्टीट्यूट के जितने भी अलग अलग फैकल्टी के बच्चे, लड़कियाँ सब भाग ले रही हैं। स्पोर्ट्स जो है हिंदुस्तान में, उसको बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए, ये उससे ऑर्गेनाइज किया गया है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन दिल्ली प्रदेश की तत्वाधान में टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्कृति यूनिवर्सिटी और विजन इंस्टीट्यूट ने मिलकर के पूरी दिल्ली के दिव्यांग बच्चों के जितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं और नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को आज एक प्लेटफॉर्म पे इंक्लूसिव प्रोग्राम्स के अंदर ये स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की है। इन बच्चों को आने वाले कल के लिए हम लोग तैयार करते हैं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इस काम के लिए तत्पर है और ये सारा ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए किया गया है। टेक्निया ग्रुप स्पोर्ट्स मीट को मैं आज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाखों की संख्या में इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया था, हजारों पार्टिसिपेशन यहाँ पर आए हुए लोगों के, और मैं समझता हूँ इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी और ये बच्चे आगे बढ़ के हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। ऐसे प्रोग्राम टेक्निया ग्रुप हमेशा कराता रहता है और हमेशा रामकला जी बच्चों को बढ़ चढ़ के प्रोत्साहन देते हैं, मैं इनके लिए उनको भी साधुवाद देता हूँ। स्पोर्ट्स मीट के समापन के मौके पर कई खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी खेलों के महत्व के बारे में जान सके। वैसे इस तरह के आयोजनों से खेलों को बढ़ावा मिलता है। स्पोर्ट्स मीट का मकसद बच्चों में खेलों को लेकर जागरूकता पैदा करना है और टेक्निया ग्रुप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।